नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर के आई हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि 2020 में मकर संक्रांति किस दिन है और इस दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस साल यानी कि 2020 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को हो रही मनाया जाएगा पूरे देश में। तो 15 जनवरी को क्यों मनाया जाएगा, तो चलिए हम ये जान लेते हैं। मकर संक्रांति उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करती है। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के दिन को ही मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस साल 2020 में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश कर रही है, इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। तो 15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। अब इस प्लेट में एक एक करके मैं वो सारी चीज़ें डालूंगी जिसका कि दान हमें करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन यानी कि उत्तरायण के दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तिल का दान करना चाहिए। तिल का जो है मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप सफ़ेद या फिर काला तिल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तिल और गुड़ हमारे हिंदुस्तान में यानी कि भारतवर्ष में माताएं तिल और गुड़ मकर संक्रांति के दिन अपने बेटे को भी खिलाती हैं ताकि वो भविष्य में उनकी सेवा करें और उन्हें अच्छे से रखें। तो तिल और गुड़ का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो इन दोनों चीज़ों का दान आप ज़रूर से ज़रूर करें। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें दान में देनी चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। इसके अलावा हमें चूड़ा का दान करना चाहिए क्योंकि इस दिन चूड़ा और दही का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए हम चूड़ा दही भी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा डाल दिया है। चूड़ा के साथ साथ मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ, तो दही भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हमें तिल के लड्डू का दान करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 तिल के लड्डू डाल रही हूँ। 2 मुरमुरे के लड्डू भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका भी दान हमें करना चाहिए। मकर साधारण अर्थ ये होता है कि मकर संक्रांति के दिन आप जो चीज़ें भी खाते हैं आप उन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा विशेष फल मिलता है सभी लोगों को। तो उस दिन हम मुरमुरे का लाई भी खाते हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। मकर संक्रांति के रात में सभी लोग खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी खाते हैं, तो खिचड़ी की सामग्री भी हमें दान में देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चावल डाल रही हूँ। जो भी चीज़ें खिचड़ी बनाने में ज़रूरी होती है वो सभी चीज़ें हमें दान में देनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं चने चावल डाल दिया है। अब हम मूंग का दाल डालेंगे क्योंकि मूंग के दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, तो इसलिए हम मूंग का दाल डाल देंगे। उसके अलावा नमक भी डाल देंगे क्योंकि खिचड़ी के लिए नमक और हल्दी ये दोनों चीज़ें भी देनी चाहिए दान में। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे यहाँ पे। उसके अलावा 2 आलू भी दान कर रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी और चूड़ा दही दोनों ही चीज़ों को दान में दिया जाता है, तो खिचड़ी की सारी सामग्री मैंने यहाँ पे दे दी है, जैसे चावल, दाल, हल्दी, नमक और आलू और चूड़ा दही की भी सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आप गाय का भी दान कर सकते हैं, वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है कि आप किस किस चीज़ों का दान करना चाहते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें कैसे दान में देना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन आप सुबह में उठकर स्नान कर लीजिए, उसके बाद इन सभी चीज़ों को आप एक एक करके छूइए इस तरीके से। ये नहीं कि एक बार में ही सारी मतलब छू लिया तो फिर हो गया, नहीं, हर एक चीज़ को आपको ऐसे करके छूनी है। जैसे कि आलू को छूइए, हल्दी को छूइए, नमक को छूइए, लाई को छूइए, हर एक चीज़ को आप छूइए। उसके बाद आप मकर संक्रांति के दिन या फिर उसके कल होकर किसी भी पुरोहित को इन सारी चीज़ों को दान में दे सकते हैं। भगवान बोलते हैं, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो भगवान उससे 100 गुना आपको वापस करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सभी चीज़ों का दान किया जाता है जो कि आपकी इच्छा हो। तो अगर आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं गाय का दान करना या फिर सोना का दान करना, तो आप इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो उससे एक विशेष फल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो इन सभी चीज़ों का दान आप जरूर कीजिए मकर संक्रांति के दिन।
तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल मी एंड माय क्यूट प्रिंसेस को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति।